नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ टियागो सीएनजी के बारे में। तो लोग कंफ्यूज हैं कि लॉन्च होगा कि नहीं होगा, आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन इस बात की गारंटी है कि टियागो सीएनजी में पक्का गारंटी आने वाली है। टेस्टिंग के जो स्पाइस शॉट्स हैं वो काफी ज्यादा है, ऐसा नहीं कि एक दो कभी आ गया। आपने बहुत वीडियो देखे होंगे, जो बहुत सारे फोटोज आप लोगों ने वीडियोज भी देखे हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से बता रहा हूँ कि सीएनजी कब तक लॉन्च हो सकता है। जहां तक मतलब सर्चेस के हिसाब से या फिर रिसर्च के हिसाब से आप बात करो तो टियागो सीएनजी अभी तक लॉन्च हो जाने चाहिए थे, लेकिन ड्यू टू पैंडेमिक वो लॉन्च नहीं हुई, ठीक है। तो इस वजह से आप ये सोच के चलो कि दिवाली तक वो लॉन्च होगी, क्योंकि देखो सिर्फ लॉन्च करने से मतलब नहीं है ना, लॉन्च के साथ उसकी सेल भी होनी चाहिए। अभी तो आप जानते ही हो कि लॉकडाउन की वजह से वैसे भी सेल नहीं हो रहा है, तो लॉन्च करके क्या ही फायदा होने वाला है किसी को, ठीक है। इसलिए दिवाली तक लॉन्च होगा एंड आई थिंक इट्स ए ग्रेट डील कि मतलब उस टाइम जब लॉन्च होगा तो ऑब्वियस बात है दिवाली में हमारे यहाँ तो ऐसे ही लोग कार्स खरीदते हैं, तो उस टाइम लॉन्च होगा एंड उस टाइम ही उसकी जो सेल्स हो ऑब्वियस बात है टियागो सेल्स मतलब बैक टू बैक इंक्रीज कर रही है। तो इस हिसाब से टियागो सीएनजी का जो मैक्सिमम लॉन्च टाइम होगा वो आप दिवाली पकड़ लो, क्योंकि मुझे लगता है एचबीएक्स एंड सीएनजी दोनों एक साथ ही ये लॉन्च करने वाले हैं। अब जो सीएनजी का है तो लोग मतलब आपको वेट करना भी चाहिए कि नहीं, लोग सोच रहे सीएनजी, तो सीएनजी के लिए आपको वेट करना भी चाहिए कि नहीं। अगर आप ऐसे सिटी में तो जहां सीएनजी स्टेशन इजिली अवेलेबल हैं तो डेफिनेटली आज के टाइम में अगर बजट बायर हो तो आप पहले सीएनजी को प्रेफर करोगे। लेकिन द थिंग इज दैट कि आप चाह के भी टियागो में सीएनजी पहले ले नहीं सकते थे, क्यों? क्योंकि सीएनजी अवेलेबल ही नहीं था। सीएनजी अवेलेबल कहाँ था? तो सेंट्रो, वैगनार हो गया, i10 हो गया ऐसे, ठीक है। तो आप बताती है कि टियागो सीएनजी का जो प्राइस होगा वो क्या होगा। देखो जो भी अभी प्राइस है ना उसमें ऑलमोस्ट 50K वो इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो अगर एक्सटी का भी प्राइस है ऑलमोस्ट 562 के आसपास एक्स शोरूम, वो 620 के आसपास आपको पड़ती है ऑन रोड। तो एक्सटी का जो प्राइस होगा ना वो होगा ऑलमोस्ट 7 लाख के आसपास। आप पकड़ लो टियागो सीएनजी का 7 लाख आपको ऑन रोड पड़ जाएगा एक्सटी वर्जन का, ठीक है। वहीं पे आपको i10 ले लो मैग्ना, वो भी 7 लाख के अराउंड पड़ जाता है सीएनजी वर्जन। तो टियागो एक्सटी में आएगा जो कि सेकंड वैल्यू फॉर मनी मॉडल है टियागो का, एंड जो लास्ट है वो एक्सजेड प्लस। तो मुझे लगता है एक्सजेड प्लस या एक्सजेड में ये दे देंगे एक में बैक टू बैक। आई डोंट थिंक सब में ये देने वाले हैं, क्योंकि ऑब्वियस वजह सब में देखे क्या ही करोगे आप, एक्सटी में देंगे मुझे लगता नहीं देंगे। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि अगर आपको एक आप i10 सोच रहे थे या वैगनार सोच रहे थे या चलो सेंट्रो सोच रहे थे, लेकिन आपको टियागो पसंद था, आप सोच रहे थे कि आपके पास लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं था, आप टियागो पर कैसे जाते? आप जानते हो सेफेस्ट कार है, सब कुछ है, लेकिन डाउन द लाइन आपको सब कुछ देखना है कि मुझे सीएनजी होना चाहिए ये मतलब, क्योंकि फ्यूल का प्राइस तो आप देख ही रहे हो किस हिसाब से आगे बढ़ रहा है। तो आप सीएनजी कार ही प्रेफर कर रहे थे, तो इस हिसाब से आपको वेट करना वर्थ होगा अगर आप चाहते हो कि 6 to 7 लाख के बीच में आपको कार मिल जाए सीएनजी वाला। तो अभी आपके पास ऑप्शन नहीं है, अगर अभी आपको लेना है तो फिर आपको i10 पे जाना पड़ेगा, वैगनार पे जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, कुछ टाइम रुकोगे तो डेफिनेटली सीएनजी ऑप्शन मिल जाएगा आपको टियागो के अंदर, एंड आई थिंक वो बेस्ट होने वाला है। तो आप चाहो तो बाहर से भी टियागो खरीद के बाहर से भी सीएनजी किट लगवा सकते हो, बहुत लोगों ने लगवाया है, बट मतलब वो नहीं लगवाना चाहिए। कंपनी फिटेड जो होती है वो हमेशा ही फार बेटर होती है बाहर से, क्योंकि आप कंपनी फिटेड लगाओगे आपको हर चीज वो एनालाइज कर देती है, टेस्टिंग कर देती है, तो कि बैड कंडीशंस में क्या हो सकता है, आपको कभी वारंटी का इशू नहीं आएगा क्योंकि कंपनी फिटर है। बाहर से लगाओगे तो कंपनी वाले कोई भी आपके इंजन में प्रॉब्लम होगी कंपनी वाले के बस सीधे स्ट्रेट एक ही लाइन कैंसर होगा, आपने इसमें छेड़छाड़ करवाया बाहर से तो आप जानो। लेकिन अगर आप कंपनी फिटेड लगाओगे तो आपको कोई इशू ही नहीं होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली आप टियागो सीएनजी के लिए वेट कर रहे हो तो आप वेट कर सकते हो, आपको वो वैल्यू फॉर मनी कार मिलेगा। आई थिंक 7 लाख के आसपास एक्सटी आपको ऑन रोड मिल जाएगा, तो इससे ज्यादा प्राइस नहीं होगा, इसके अंदर ही होगा 7 लाख के अंदर, ठीक है। एंड हार्डली दिवाली तक आपको टियागो ऑन रोड मिल जाएगा, गारंटी बात है सीएनजी वेरिएंट, ठीक है। तो आप अगर टियागो सीएनजी के लिए वेट कर रहे हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ आप भी वेट कर रहे हो टियागो सीएनजी के लिए, क्योंकि बहुत लोग वेट कर रहे हैं टियागो सीएनजी के लिए। आप जानते हो कि टियागो का सेल्स तो बहुत ज्यादा ही इंक्रीज हो रहा है आज के टाइम में, वेटिंग चल रहा है टियागो इस कार्स के लिए, तो अच्छी बात है, क्योंकि देखो सेफेस्ट कार है, लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था लेकिन अब समझ में आ रहा है। ओके, सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।